कांग्रेस ने एक बार फिर 45,000 करोड़ के सबमरीन घोटाले की बात कही है और ये कहा है कि किस तरह से मोदी सरकार ने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसका उल्लंघन किया है। सर हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं। सर ये 45,000 करोड़ का मामला है जिसमें पूरी तरह से जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसकी अवहेलना करते हुए शॉर्टलिस्टेड कंपनियों को हटा के अडानी ग्रुप को ये दिया गया है। कल मीडिया के चेयरमैन सुरजेवाला जी ने AICC में ये सवाल पूछा है सरकार से, अभी तक सवाल का जवाब तो नहीं आया है। जब एक कंपनी जिसका कोई अनुभव नहीं है, एक कंपनी जो ठीक से बनी भी नहीं है, अनुभवी कंपनियों को दरकिनार करके उस अडानी को दिया जा रहा है जिसके हवाई जहाज पर भाजपा घूमती रहती है, जो भाजपा के बहुत करीब माना जाता है। तो पहले अनिल अंबानी, अब अडानी, क्या देश को बेचने की तैयारी? आपको लगता है कि कुछ ना कुछ, जैसे राफेल का मामला है उसी तरह से ये भी पूरा जो मामला है 45,000 करोड़ का, इसमें जो कंपनियां शॉर्टलिस्टेड हैं, जो एक्सपीरियंस्ड कंपनियां हैं, उसको इग्नोर करके एक खास कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया गया? ये सवाल कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन ने पूछा है, इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। सवाल बड़ा गंभीर है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इस पर भाजपा सरकार को स्पष्टीकरण देना है। एक आखिरी सवाल सर, मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है करप्शन को लेके, आपको लगता है कि ये जीरो टॉलरेंस की दिशा में इस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करना है? जितना भ्रष्टाचार मुट्ठी भर कुछ 15-16 घराने, उनमें भी 4-6 खास, उनके लिए इस सरकार में हुआ है, आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार बढ़ा है भाजपा में, कम नहीं हुआ। धन्यवाद। तो साफ तौर से प्रमोद तिवारी जी का कहना है कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं। अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।